वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आप कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लेटर बी से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स देखते हैं और उनके बारे में भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ए लेटर से स्टार्ट होने कुछ वर्ड्स देखे थे और उनकी डेफिनेशन, उनकी मीनिंग वो क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज बी के बारे में पढ़ते हैं, बी से स्टार्ट होने कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग जानते हैं। फर्स्ट इज बेबी। तो व्हाट इज बेबी? अ बेबी इज अ वेरी यंग चाइल्ड। बहुत ही छोटे बच्चे को हम क्या बोलते हैं? बेबी। देन बैट। अ बैट इज अ स्मॉल फर्री एनिमल। बैट, बैट का दो मीनिंग होता है। एक तो क्रिकेट वाला जो बैट होता है जो प्ले के काम आता है वो, और एक बैट होता है एक एनिमल जिसे हम हिंदी में चमगादड़ बोलते हैं, जो कि रात में निकलता है और वो दिन में पेड़ पे उल्टा लटका हुआ सोता है। नेक्स्ट है बनाना। अ बनाना इज अ काइंड ऑफ फ्रूट। बनाना प्लांट्स ग्रो इन हॉट कंट्रीज। तो बनाना एक टाइप का फ्रूट होता है और मोस्टली हम सबको पसंद होता है। देन बैलेंस। बैलेंस मीन टू बैलेंस इज टू कीप योर बॉडी स्टडी विदाउट फॉलिंग डाउन। तो बैलेंस मतलब होता है अपने आप को बराबर, कोई चीज को बराबर रखना क्या बोलते हैं? बैलेंस। यहाँ बैलेंस बता रहा है अपनी बॉडी को एकदम खड़े रखना बगैर गिरे, उसे कहते हैं यहाँ बैलेंस। बैक। बैक मतलब पीठ। द बैक इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट इज बिटवीन द नेक एंड द बॉटम। हमारे बॉटम और नेक के बीच का जो एरिया होता है ये, इसे हम क्या बोलते हैं? बैक, जिसे हम हिंदी में पीठ बोलते हैं। बेक। बेक मतलब टू बेक समथिंग इज टू कुक इट इन एन ओवन। बेक मतलब किसी चीज को पकाना ओवन में। नेक्स्ट बैंड। बैंड मीन्स अ बैंड इज अ ग्रुप ऑफ पीपल प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर। तो बैंड क्या होता है? बैंड मतलब होता है कुछ लोगों का ग्रुप जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं साथ में, उसे कहते हैं बैंड। जैसे आपने रॉक बैंड वगैरह देखा होगा, और या फिर शादी में जो बजता है बैंड उसमें भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना जो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। नेक्स्ट इज बॉल। अ बॉल इज यूज्ड टू प्ले मेनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एक इस तरीके की स्पेयरशिप का होता है, इसे बोलते हैं बॉल, जो काम आता है खेलने के। नेक्स्ट बास्केट। अ बास्केट इज अ कंटेनर फॉर कैरिंग थिंग। तो बास्केट क्या होता है? जिसे हम टोकरी बोलते हैं। बास्केट इज अ कंटेनर फॉर कैरिंग थिंग। सामान रखने के लिए एक कंटेनर होता है बास्केट। बारबेक्यू। अ बारबेक्यू इज अ मील वी कुक आउटसाइड ओवर एन ओपन फायर। तो बारबेक्यू क्या होता है? बारबेक्यू मतलब एक खाना जो हम बाहर खुले में आग जलाकर बनाते हैं, कुक करते हैं। बैंक। अ बैंक इज अ सेफ प्लेस टू कीप मनी। तो बैंक क्या होता है? एक बैंक एक सुरक्षित जगह होता है जहां हम अपने पैसे रखते हैं, उसे हम बैंक कहते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह ये सब क्या है? बैंक है। और बैंक मतलब नदी का किनारा भी होता है, रिवर बैंक, उसे भी हम बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट इज बान। अ बार्न इज अ लार्ज फार्म बिल्डिंग वेयर अ फार्मर कीप्स हे मशीनरी और एनिमल्स। तो बार्न क्या होता है? बार्न मतलब होता है एक लार्ज फार्म। एक लार्ज फार्म को बार्न बोलते हैं,
बार्न, जहाँ पर फार्मर जो किसान होते हैं वो जो गाय को खिलाने वाले चारा, भूसा, चारे काटने की मशीन, क्रॉप्स काटने की मशीन और एनिमल्स को रखते हैं, तो वो एक तरह का लार्ज फार्म हाउस होता है। फिर है बैंडेज। बैंडेज मतलब अ बैंडेज इज अ स्ट्रिप ऑफ क्लोथ दैट इज यूज्ड टू कवर एन इंजरी। तो बैंडेज क्या होता है? बैंडेज एक कपड़े की पट्टी होती है जो चोट को कवर करने के काम आती है। बैंडेज। बेड। अ बेड इज अ पीस ऑफ फर्नीचर दैट यू स्लीप ऑन। तो बेड क्या होता है? एक टाइप का फर्नीचर होता है जिसपे हम सोते हैं। नेक्स्ट इज बलून। अ बलून इज अ थिन रबर बैग दैट इज ब्लोन अप विथ एयर और अनदर गैस। तो बलून क्या होता है? एक पतली रबड़ का बैग होता है जिसपे हम हवा या गैस भरते हैं और वो फूल जाता है, जिसे हम गुब्बारे बोलते हैं हिंदी में, जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। बीक। बीक मतलब होती है चोंच। अ बीक इज द पॉइंटेड पार्ट ऑफ अ बर्ड्स माउंट। तो बीक क्या होती है? बर्ड्स की पॉइंटेड जो मुंह होता है, पॉइंटेड पार्ट मुंह, जिसे हम चोंच बोलते हैं, वो होती है बीक। देन बियर्ड। अ बियर्ड इज द हेयर दैट गोज ऑन अ That grows on a man's chin and cheeks. तो beard मतलब दाढ़ी। तो दाढ़ी क्या होती है? दाढ़ी वो चीज़ होती है जो आदमियों के चेहरे पे grow करती है, chin और cheeks पे, ये है beard. Then bath. A bath is a large container that you fill with water and sit in it to wash yourself. बात मतलब तो आप सब जानते हैं, नहाना। तो यहाँ पे बात की मीनिंग बताया है, इज अ लार्ज कंटेनर मतलब बात टब है जिसमें बहुत सारा पानी भर के और हम वहाँ पे नहाते हैं। देन बियर। अब बियर इज अ लार्ज हैवी एनिमल विथ थिक फर एंड शार्प डॉज। तो बियर हम सब जानते हैं, जिसे बोलते हैं भालू। बियर एक हैवी और लार्ज एनिमल होता है जिसके थिक फर होते हैं। बीवर। अ बीवर इज एन एनिमल विथ अ ब्रॉड फ्लैट टेल एंड लार्ज स्ट्रिंग टीथ। तो बीवर एक तरह का जानवर होता है जो चौड़ा होता है, जिसकी पूंछ फ्लैट होती है और लंबे लंबे बड़े बड़े से दांत निकले हुए नुकीले दांत होते हैं। बैटरी। A battery is a sealed case that give out electricity. तो battery क्या होता है? ये है battery. ये battery एक seal case होती है जो हमें देती है electricity. यहाँ पे ये जो battery है वो एक inverter की battery है. Next is bee. A bee is a flying insect that collect nectar and turn it into honey. तो यहाँ पे बी मतलब हनी बी, जो एक इंसेक्ट होता है और जो फूलों का रस कलेक्ट करता है और उससे हनी शहद बनाता है, जिसे हम मधुमक्खी भी कहते हैं। बीटल। अ बीटल इज एन इंसेक्ट विथ विंग्स। तो बीटल एक तरह का इंसेक्ट होता है विंग के साथ। नेक्स्ट इज बेल। तो व्हाट इज बेल? अ बेल इज अ पीस ऑफ मेटल दैट इज शेप्ड लाइक अ कप। इट मेक्स अ रिंगिंग साउंड व्हेन इट इज स्ट्रक। बेल मतलब घंटा। छोटी बेल को घंटी बोलते हैं, बड़े बेल को घंटा। तो वो एक मेटल का पीस होता है जो कप शेप का होता है, जिसको स्ट्रक करने से, बजाने से उसमें से आवाज निकलती है। नेक्स्ट इज बर्ड। बर्ड मीन अ बर्ड इज एन एनिमल विथ फेदर टू विंग्स एंड अ बीक। तो बर्ड क्या होता है? वो भी एक प्रकार का जानवर होता है जिसके पंख होते हैं और चोंच होते हैं, दो पंख होते हैं, बहुत सारे फेदर्स होते हैं और
एक बीक होती है। ब्लैंकेट, अ ब्लैंकेट इज अ लार्ज थिक क्लोथ दैट कीप्स यू वार्म इन बेड ड्यूरिंग विंटर्स। तो ब्लैंकेट मतलब कम्बल, एक मोटा कपड़ा जो हमें गर्म रखने के काम आता है। नेक्स्ट इज बेरी, अ बेरी इज अ सॉफ्ट जूसी फ्रूट विथ मोर देन वन सीड। तो बेरी क्या होता है, बेरी एक सॉफ्ट जूसी फ्रूट होता है जिसमें एक से ज्यादा बीज होते हैं। बर्थडे, योर बर्थडे इज द डे ऑफ द ईयर व्हेन यू वेयर बॉर्न, यू मे गेट कार्ड्स एंड कट बर्थडे केक ऑन दिस डे। तो बर्थडे मतलब जिस दिन हम पैदा होते हैं, वो दिन हमारा जन्मदिन होता है जिसे हम बर्थडे बोलते हैं, जिसमें हम बर्थडे केक कट करते हैं, हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। देन ब्लाइंड, टू बी ब्लाइंड इज टू बी अनेबल टू सी। ब्लाइंड पीपल ऑफन हैव गाइड डॉग्स टू हेल्प देम गेट अराउंड सेफली। तो ब्लाइंड मतलब जो देख नहीं सकते, उन्हें हम ब्लाइंड कहते हैं। बेल्ट, ये जो हम कमर में बांधते हैं उसे बेल्ट कहते हैं। अ बेल्ट इज अ स्ट्रैप दैट यू वेयर अराउंड योर वेस्ट टू हेल्प कीप योर क्लोथ्स इन प्लेस। तो बेल्ट क्या होता है, एक पट्टा होता है जो हम अपने कमर के चारों ओर बांधते हैं जिससे हमारे कपड़े एक जगह पर रहे। बाइट, टू बाइट समथिंग इज टू टेक होल्ड ऑफ इट विथ योर टीथ। तो बाइट मतलब किसी चीज को दांत से काटना, उसे या खाना। टू बाइट समथिंग मतलब काट के खाना, बाइट। ब्लड, अ ब्लड इज द रेड लिक्विड दैट योर हार्ट पंप्स अराउंड योर बॉडी। हमारे बॉडी में एक रेड कलर का लिक्विड होता है जिसको हमारा हार्ट पंप करता है और जिसके थ्रू हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है और हम जिंदा रहते हैं, उसे ही कहते हैं ब्लड। देन बीच, A beach is an area of land usually covered with sand or pebbles at the edge of an ocean or a lake. तो beach क्या होता है, समंदर, that is ocean या sea के किनारे या lake के किनारे का जो sandy area होता है जहाँ पे बहुत सारा sand, छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, उस area को क्या कहते हैं, beach। समंदर या जो झील होता है इन सब के किनारे क्या बोलते हैं, बीच। देन ब्लैक, ब्लैक इज द डार्केस्ट कलर, इट इज द ऑपोजिट ऑफ वाइट। तो ब्लैक क्या होता है, एक कलर होता है जो बहुत डार्क होता है और ब्लैक जो होता है वाइट का ऑपोजिट होता है। ब्लॉसम, अ ब्लॉसम इज अ फ्लावर, द ब्लॉसम ऑफ मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज टर्न्स इनटू फ्रूट्स। तो ब्लॉसम मतलब फ्लावर होता है, तो बहुत सारे पेड़ और पेड़ पौधों के जो फूल होते हैं दैट इज ब्लॉसम, उनसे वो क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट्स में। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लाउज, अ ब्लाउज इज अ लूज पीस ऑफ क्लोथिंग दैट कवर्स द टॉप पार्ट ऑफ योर बॉडी। ब्लाउज आर यूजली worn by girls and women। ब्लाउज मतलब एक ढीला ढाला पीस जो हमारे बॉडी के अपर पार्ट को कवर करता है, तो जो टॉप होता है उसे भी हम बोलते हैं ब्लाउज, और यूजुअली उन्हें गर्ल्स या वुमेन पहनते हैं। देन बुक, बुक मतलब अ बुक इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिंटेड पेजेस हेल्ड टुगेदर बिटवीन टू कवर्स। तो बुक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बहुत सारे प्रिंटेड पेज होते हैं जो एक साथ दो कवर के बीच में होते हैं जो हमारे पढ़ने के काम आते हैं। जैसे इस वक्त हम एक बुक लेके बैठे हैं उसे ही हम बोलते हैं बुक। देन बाइसिकल, अब बाइसिकल इज अ मशीन विद टू व्हील्स एंड पैडल्स। तो बाइसिकल मतलब बाइसिकल, जिसे हम साइकिल भी बोलते हैं,
एक मशीन होता है जिसमें दो पहिए होते हैं और दो पैडल होते हैं। ब्लो, ब्लो मतलब टू ब्लो इज टू मूव एयर विद स्पीड और फोर्स। यू पुश एयर आउट ऑफ योर माउथ टू ब्लो बबल्स। तो ब्लो मतलब होता है बहुत ही जोर से स्पीड के साथ हवा मुंह से फूकना, जिसे हम कहते हैं ब्लो। तो हम हवा पुश करके अपने मुंह से इस तरीके से बबल्स भी बनाते हैं। अब है बूमरैंग। अब बूमरैंग इज अ कर्व पीस ऑफ वुड दैट कम्स बैक द पर्सन हु थ्रोज इट। तो ये है बूमरैंग, इसे बूमरैंग बोलते हैं। एक लकड़ी का टुकड़ा होता है इस शेप का, कर्व शेप का, जो जिसे हम थ्रो करते हैं, जो थ्रो करता है वो वापस लौट के उसके पास आ जाता है। ब्रेकफास्ट, ईशा इज टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का जो खाना होता है जिसे हम नाश्ता बोलते हैं, उसे ही हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। बोट, अ बोट इज अ स्मॉल शिप। बोट कैरी पीपल्स एंड थिंग्स ऑन रिवर लेक्स एंड ओशियंस। तो बोट क्या होता है, एक छोटी सी जो शिप जिसे हम नाव बोलते हैं, जो लोगों को या सामान को रिवर लेक्स और ओशियन या सीज से कैरी करने के काम आता है। देन बॉटल, अ बॉटल इज अ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर यूज्ड फॉर ड्रिंक्स और अदर लिक्विड। बॉटल क्या होता है, एक ग्लास या प्लास्टिक का कंटेनर जिसमें हम लिक्विड रखते हैं। ब्लू, ब्लू इज अ कलर, दिस इज अ ब्लू कलर स्टिक। देन बोन, अ बोन इज वन ऑफ द पीसेज ऑफ अ स्केलेटन। मतलब बोन मतलब होता है हड्डी। बाउल, अ बाउल इज अ डीप राउंड डिश दैट होल्ड्स फूड एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो बाउल क्या होता है, बाउल एक गहरा गोल बर्तन जिसमें हम फूड या कोई और अदर ऑब्जेक्ट रखते हैं, बाउल, जिसे हम कटोरा बोलते हैं। बॉय, द स्कूल बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। बॉय मतलब लड़का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।